देश का एक दर ऐसा है जो अमेठी से लोकसभा के सांसद राहुल को अगला पीएम बनाना चाहता था। यही वजह है कि युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 48 साल के हो चुके राहुल गांधी अभी तक कुंवारे हैं। राजनीति के मोस्ट एलिजिबल और बैचलर नेता माने जाते हैं राहुल गांधी। यही कारण है कि उनकी फीमेल लोकप्रियता भी, फीमेल फैन फॉलोइंग भी अभी तक कम नहीं है। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। 34 साल की उम्र में पुश्तैनी सियासी सीट अमेठी से वो पहली बार सांसद चुने गए थे। तब लोगों को लगा था कि राजनीति में प्रवेश करने के बाद राहुल गृहस्थी में प्रवेश करेंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो सका। जब मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि शादी कब करेंगे, तो उन्होंने कहा कि योग्य लड़की मिलेगी तो शादी कर लेंगे। बता दें कि राहुल गांधी की दो दो लव स्टोरी काफी ज्यादा चर्चाओं में रही है। संडे गार्जियन ने साल 2012 के जून में इसका खुलासा किया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अफगानी किंग मोहम्मद जहीर शाह की पोती नोअल जहर के साथ प्रेम प्रसंग में है। इसके बाद राहुल गांधी और नोअल जहर दिल्ली के अमन होटल में एक साथ देखे गए, जहां ये लोग फिटनेस सेंटर में जाया करते थे। दिल्ली के बाद इन दोनों को फ्रांस में भी एक साथ देखा गया। नोअल फ्रेंच यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से यूरोपियन बिजनेस में ग्रेजुएट थी। वे इटली की निवासी थी। राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी के पैतृक घर यानी इटली के चेपल में एक साथ पूजा भी दोनों ने की। उम्मीद जताई जा रही थी कि राहुल गांधी अफगानी राजकुमारी से शादी करेंगे, लेकिन साल 2013 में नियोल ने इजिप्ट के प्रिंस मोहम्मद से शादी कर ली। राहुल की दूसरी लव स्टोरी 1990 के दशक में देखी गई, जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे। वार्निक कार्टेली से हुई उनकी मुलाकात, लेकिन इनकी दोस्ती की खबर दुनिया वालों को तब लगी जब राहुल गांधी 1998 के चुनावों में मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार करने दिल्ली पहुंचे। इसके एक साल बाद इस जोड़ी को बर्मिंघम के क्रिकेट स्टेडियम में भारत इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड कप मैच का लुत्फ उठाते हुए देखा गया। दोनों की तस्वीर वायरल हुई, तब माना जाने लगा कि वार्निक राहुल की गर्लफ्रेंड है। उसी साल यानी 1999 में राहुल गांधी और वार्निक अंडमान में एक साथ छुट्टियां मनाते देखे गए। उस समय वर्णिका को कोलंबियाई मूल का बताया जा रहा था। इसके बाद वर्णिका को राहुल, प्रियंका और पूरी फैमिली के साथ लक्षद्वीप और केरल में भी देखा गया। इस बार मीडिया ने अनुमान लगाया कि उनका नाम जॉर्निटा है। 2004 के आम चुनावों के दौरान एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने स्वीकार किया था कि उनकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उनका नाम ना तो जॉर्निटा है और ना ही वो कोलंबिया की है। राहुल ने बताया कि उनका नाम वर्णिका है और वो स्पेनिश मूल की है। राहुल ने तब भी ये बताया था कि वर्णिका एक आर्किटेक्ट है, ना कि वेटर। उन्होंने कहा था कि वर्णिका उनकी बेस्ट फ्रेंड है। फिलहाल इन दोनों के बीच दोस्ती है या नहीं, इसकी कोई चर्चा नहीं होती। तीसरी लव स्टोरी बेशक से सफल नहीं हो पाई, लेकिन ये नाम मीडिया की सुर्खियों में खूब छाया रहा। ऐसा कहा जाता है कि राहुल गांधी ने दिया मिर्जा को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन दिया मिर्जा ने शादी के लिए मना कर दिया, जिसके बाद से आज तक राहुल गांधी कुंवारे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज लाइव डेस्क की रिपोर्ट। टीवी की जानी मानी ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने कुछ
किया हो या फिर वो मीडिया की सुर्खियों में ना बने, ऐसा हो सकता है। जी हाँ, जब से राखी ने शादी की है कि वो तो रातों रात स्टार बन गई है। वही जैसे ही हमने आपको पहले भी बताया था कि राखी के 1.5 महीने बाद राखी सावंत हमेशा हमेशा के लिए अपने पति रितेश के वापस यूके रहने गई। मानो अब लगता है कि महज 15 दिनों में ही राखी के पति रितेश का उनसे मन भर गया है। तभी तो कंट्रोवर्सी गर्ल ने पति की याद में रो रो कर अपने सोशल मीडिया को भर दिया है। जी हाँ, फेमस डांसर और एक्ट्रेस राखी सावंत इन दिनों काफ़ी परेशान, और उनकी परेशानी की वजह कोई और नहीं बल्कि उनके पति रितेश जी हैं। तो चलिए आपको बताने जाते हैं कि उसमें आप की यही कहेंगे कि राखी सावंत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राखी की शादी खतरे में है। जी हाँ, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही। राखी ने एक के बाद एक अपने इंस्टाग्राम पे कई वीडियो शेयर किए, जिनमें से एक वीडियो हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं। जी हाँ, देखिए हमारी इस खास वीडियो में कैसे राखी यहाँ पर रो रो कर अपने दिल की बात आप सभी के सामने कह रही हैं। अब जो बोलोगे मैं करूँगी, जो बोलोगे सुनूंगी, लेकिन अभी इग्नोर मत करो यार, मत करो, मैं नहीं रह सकती हूँ। आपको मेरे ऊपर जरा सा भी तरस नहीं आता है ना, मैं बहुत प्यार करती। इतना ही नहीं, एक वीडियो में राखी ये कहती हुई नजर आई हैं कि किसने कहा मेरी ज़िंदगी में तकलीफें नहीं, बस मैंने अपनी हालत पर हंसना सीख लिया है। ये कोई पहली बार नहीं जब राखी सावंत ने ऐसे वीडियो शेयर की हो, जिससे पहले वो शादी करने के बाद भी वो ऐसे वीडियो डाल रही हैं। तो ऐसे में अब क्या है पूरा माजरा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा ही, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर राखी ने अपने दिल की बात रखी है।